नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, मेरे चैनल क्रॉच एंड ग्राम में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप नए नए डिजाइन देखेंगे, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये ब्लू आई लेकर आई हूँ। ब्लू आई ब्रासलेट, ब्लू आई रिंग और ब्लू आई नेकलेस। ये मैं आपको तीनों चीज़ बताऊंगी एक एक करके पर। ये देखिए और ये देखिए। आज आपको मैं रिंग बता रही हूँ। उसके लिए मैं ब्लैक से शुरू करूंगी। मुझे तीन कलर चाहिए। आप चाहे धागा ले लो, चाहे आप रेशम का ले लो, आप कैसे भी ले लो। ऊन भी ले सकते हो, ऊन का प्रिय है कि आप सर्दियों में बना पहन सकते हैं, बस गर्मियों में आप पहन नहीं सकते। बच्चों को नज़र लग जाती है, ये हम उसके लिए बनाते हैं। ये मैं दो नंबर से बना रही हूँ, एक और दो। यहाँ पे मैंने दो चैन लिए शुरू में, उसके बाद एक बल लेना है इसी के अंदर से, पहली चैन में से। एक और ये दो, ये दो बार लेना है मुझे, और इसमें से ये इस तरह से मुझे कर लेना। देखिए पफ बना के दो का सिर्फ दो बार बल लेके मुझे पफ बनाना है, और यहीं पर ही मैं इसको कट कर लूँगी क्योंकि ब्लैक का मेरा इतना ही काम है। फिर उसके बाद मेरे को ब्लू चाहिए। ब्लू में लूंगी और पहले में से जहां से मैंने शुरुआत करी थी वहीं से ही इसको निकाल लूंगी। ये देखिए, फिर उसके बाद एक दो तीन, तीन चैन लूंगी। और इसमें से, इस वाले में से जहां से मैंने शुरू किया था, ये मैं इसमें ले लूँगी। ये देखिए, फिर तीन चैन लूँगी, एक दो तीन। फिर ये पहले में से ले लूँगी। और जो भी मेरे फालतू ऊपर के धागे होंगे मैं बाद में उनको बनाने के बाद कट कर दूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से आ गया मेरा, कुछ इस तरह से रिंग बनेगा। अब क्या करना है, अब सब में एक दो तीन चार और ये पांच, इस एक तरफ में से मुझे पांच सिंगल क्रोशिया लेना है। देखिए पांच ले लिया, अब दूसरी तरफ से भी पांच लेना है। एक दो तीन चार और ये हमारा पांचवा, पांच ले ली। अब इसको मैं यहीं पर ही जोड़ दूंगी। ये देखिए, जो मैंने पहला लिया था ये इसी में जुड़ जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से मेरा रिंग बन गया।
अब मैं इसको यहीं पर ही कट कर दूंगी क्योंकि मेरा ब्लू का काम भी खत्म। ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। अब मैं व्हाइट लूंगी, व्हाइट में कैसे लगाऊंगी ये देखिए, ये चैन में से लूंगी, इसको साथ में लेती जाऊंगी जो मैंने कट किया है धागा, और इसको इस तरह से लूंगी और यहाँ पे मैं इसको लॉक कर दूंगी। ये देखिए फिर क्या करूंगी, इसी में से जो मैंने पहला लिया है व्हाइट वाला उसमें से एक सिंगल, अब मुझे हर एक में से दो दो बनाने हैं। ये देखिए ये साथ में लेती जाऊंगी ताकि ये थोड़ा अंदर ही रहे। ये देखिए ये इस तरह से हर एक में से दो दो। ये देखिए ये हर एक में से दो दो लेना है। अब ये मैं आपको पूरी लाइन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा हो गया, यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको पहले से लाके इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। अब मेरे को ब्लू कलर लगाना है, डार्क ब्लू। ये देखिए अब मैं ब्लू यहीं से लूंगी। व्हाइट को नीचे ही छोड़ूंगी ताकि ये मुझे व्हाइट अभी एक और चाहिए। ये देखिए अब इसमें मुझे क्या करना, दो दो लेना है हर एक में से, इसमें भी। ये देखिए इस तरह से ये दो दो लेने हैं, और ये भी लाइन मुझे इसी तरह कुछ इसी तरह पूरी करनी है। मैं आपको पूरी करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको यहीं पर ही बंद कर दूंगी। अभी मैं इसको यहीं पर ही छोड़ दूंगी। अब मैं वाइट से करूंगी। ये देखिए यहीं पर इसको लॉक कर दूंगी। अब मेरे को क्या करना, अब ये मेरे को किनारी बनानी है, एक चैन एक स्लिप, एक चैन ये एक स्लिप, ये इस तरह से मुझे पूरी किनारी बनानी है। ये वाइट अभी धागा आ रहा है, इसको अभी मैं कट कर रही हूँ इसको लाइन को करने के बाद। ये देखिए ये इस तरह से मुझे करते जाना है। ये भी पूरी लाइन मुझे इसी तरह करनी है। मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको यहीं पर ही ले लूँगी। ये देखिए ये मैं यहीं पर ही लेके यहीं पर ही मैं इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए मैं इसको टाइट से करूंगी ताकि ये मेरी ये दोनों मिल जाए। अब मैं इसको पीछे ले लूंगी, वाइट की तरफ जहाँ पे वाइट है मेरी लाइन उसी में मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर दूंगी। ये देखिए ये यहाँ पे मैं सारे कट कर दूंगी इसका। देखिए जो मेरे यहाँ पे भी ये आ गया ऊपर, इसको भी मैं कट कर दूंगी धागे को। ये देखिए अब आ गया, अब मेरा प्रॉपर हो गया ना। अब मेरे को क्या करना है इसमें, अब मेरे को यहाँ से, अब मैंने ब्लू किस लिए छोड़ा था कि यहाँ से मैं इसमें चैन लूंगी। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ
सात। अच्छा ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर यहाँ पे ये मैंने 12 चैन लिए, 12 चैन लेके मैंने इस पूरे पे सिंगल स्टिच कर दिया है। ये मुझे रिंग ऐसे बनानी है। अब मैं आपको इसका कुछ और बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने रिंग बना रखी है। रिंग का आपको मैंने ये बना के दिखा दिया है, पीछे का मैंने आपको बता दिया कि आपको ये कैसे बनाना है, हमारे उंगली के साइज से बनाना है चैन लेके। अब ये मैं पीछे ये ले रही हूँ चैन, और ये देखिए, अब ये मैं इसको यहाँ से लेके ना यहीं पर ही बिल्कुल ही बराबर देख लेंगे हम, तो ब्लू पे ही इसको ये देखिए इसको हम टक कर देंगे। सेम है, रिंग भी मुझे ऐसी बनानी है, रिंग में थोड़ी चैन ज़्यादा लेनी है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से मैं हटा रही हूँ, कट कर रही हूँ यहीं पर ही इसको। ये मैं आपको लॉकेट बना के दिखा रही हूँ, ये देखिए अब मैं इसको यहीं पर ही यहाँ पे मैंने कट कर लिया। ये मेरा बन गया है लॉकेट। अब मैं आपको इसकी चैन बना के दिखाऊंगी, चैन मुझे कैसे बनानी है। मुझे तीनों धागे लेने हैं, देखिए तीनों धागे मुझे एक साथ लेने हैं और इसकी चैन बनानी है। मेरे को इसको 60 इंच का बनाना है, 50 वो आपके ऊपर है, 50 का बनाओ आप, 60 का बनाओ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, शुरू शुरू में एक दो चैन लेके यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे मुझे दो डबल क्रोशे ले लेना है। आप दो ले लो, चार ले लो, वो आपकी इच्छा है। फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे यहीं पर ही इस पे चैन बना के जाना है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये इसी तरह से मुझे चैन बनानी। देखिए मैंने ऐसे बना रखी है, ये इस तरह से, ये इस तरह से चैन बना रखी है। देखिए ये मैंने यहाँ पे ये डाल रखा है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं लूँगी, यहाँ से इसमें से लेके मैं ये देखिए ये लॉकेट को यहाँ पे ये लॉकेट लेके इसमें मैं यहाँ पे ऐसे डालूँगी। ये देखिए इस तरह से ये मेरा लॉकेट आ गया। ये देखिए ये आपको जैसे भी मतलब छोटा बड़ा आपको जैसे भी करना है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने ऑलरेडी देखिए पहले डाल रखा है, देखिए ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने डाल रखा है और यहाँ पे मैंने ये बना रखा है। ये देखिए ये मैं छोटा बड़ा इसको और यहाँ पे मेरा ये गले में आ जाएगा, तो ये मेरा लॉकेट बन गया। ये देखिए अब मैं आपको पूरा ही दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से, अब ये देखिए ये मेरा लॉकेट हो गया, ये मेरी रिंग हो गई। अब आप बताइए आपको ये कैसी लगी है। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने बच्चों के लिए हाँ ज़रूर बनाना, क्योंकि ये बच्चों को नज़र से बचाता है। आप चाहे इसमें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे कुंडा बना के इसको चैन में भी डाल सकते हैं, काले डोरे काले धागे में आप कैसे भी बनाइए। और जो भी मेरे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं उनको ऐसी नई नई चीज़ें उनको मैं बताती जाऊं। धन्यवाद।